देश अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर से धीरे धीरे उबर रहा है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हालांकि अब रोजाना 1 लाख से कम संक्रमित और 2000 से कम मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पहले की अपेक्षा देश की स्थिति अब बेहतर हो चुकी है। लेकिन कोरोना को लेकर हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे जरूर हो रहे हैं। अब एक ऐसा ही मामला गुजरात से सामने आया है, जहां पर नदियों में कोरोना वायरस पाया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण नदी साबरमती के पानी का सैंपल लिया गया, जिसमें जांच के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई। इसके अलावा अहमदाबाद के दो बड़े तालाब कांकरिया और चंदेला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था। अब ऐसे में प्राकृतिक जल में इस तरह से कोरोना के लक्षण मिलने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल आईआईटी गांधीनगर ने अहमदाबाद की साबरमती से जांच के लिए पानी का सैंपल लिया और उसके बाद अध्ययन किया, जहां पानी के सैंपल में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई। इस रिसर्च को लेकर आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार ने बताया कि पानी का यह सैंपल 3 सितंबर से 29 दिसंबर 2020 तक हर सप्ताह लिया गया था। सैंपल लेने के बाद इसकी जांच की गई तो पानी में कोरोना वायरस के संक्रमित जीवाणु पाए गए। प्रोफेसर के अनुसार साबरमती नदी से 694, कांकरिया तालाब से 549 और चंदेला तालाब से 402 सैंपल लेकर उसकी जांच की गई थी, जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है, जो कि बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि वायरस प्राकृतिक जल में भी जीवित रह सकता है, इसलिए देश के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की इस लहर में वायरस के कई गंभीर म्यूटेशन भी देखने को मिले हैं। नेशनल डेस्क, नमन सत्य न्यूज़।